दोस्तों, आपने अब तक बहुत सी खतरनाक सड़कें देखी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी ऐसी सड़क के बारे में सुना है जो नदी के ऊपर तैर रही हो? और क्या आपने कभी ऐसी सड़क देखी है जो दिन में सिर्फ दो बार 2 घंटे के लिए ही दिखाई देती हो और बाकी समय गायब रहती हो? आज हम आपको ऐसी ही खतरनाक सड़कों के बारे में बताएंगे जो हद से ज्यादा खतरनाक और डरावनी है, और यहाँ से गुजरना मतलब मौत को दावत देने जैसा है। लेकिन फिर भी दुनिया के कुछ सरफिरे लोग थ्रिलिंग एक्सपीरियंस लेने के लिए दूर दूर से यहाँ आते हैं और दुनिया की इन एक्सट्रीमली डेंजरस रोड्स पर मौत से खेलते हैं। इन सड़कों पर सफर करना सबके बस की बात नहीं है, इन पर सिर्फ मजबूत जिगर वाले ही जा सकते हैं। तो अगर आप भी अपने आप को मजबूत जिगर वाला मानते हैं तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और तैयार हो जाइए दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कों पर घूमने के लिए। नंबर 8 पे है के हिल्स क्रॉसिंग ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, अब हम जिस रोड की बात करने जा रहे हैं वह दुनिया की सबसे खतरनाक रोड है। के हिल्स क्रॉसिंग नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में ईस्ट एलिगेटर रिवर पर मौजूद है। यह ऑस्ट्रेलिया की सबसे खतरनाक रोड इसलिए है क्योंकि इस नदी में कई खतरनाक मगरमच्छ रहते हैं और ये मगरमच्छ हमेशा रोड को घेर कर रखते हैं। वहाँ के रेंजर्स का कहना है कि इस नदी में कुल 120 मगरमच्छ हैं। कभी कभी तो ये मगरमच्छ पानी में बहते बहते गाड़ी के सामने भी आ जाते हैं, जिसे आप वीडियो में देख ही सकते हैं। इसीलिए इस रोड पर गाड़ी चलाना सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि जब पानी का बहाव बहुत ज्यादा होता है तो यह गाड़ी को भी अपने साथ बहा कर ले जाता है। नंबर 7 पे है मनांग रोड, नेपाल। अगर आपको ऊंचाई और लैंडस्लाइड से डर लगता है तो यह रोड आपके लिए किसी मौत के दरवाजे से कम नहीं है। नेपाल की यह रोड बेसी शहर को मनांग जिले से जोड़ता है। इसकी लंबाई करीब 99 किलोमीटर है और इस ट्रैक को अन्नपूर्णा सर्किट के नाम से भी जाना जाता है। यह एक ऐसा रोड है जिस पर एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और दूसरी तरफ गहरी खाई है। साथ ही इसका रास्ता भी बहुत ज्यादा पथरीला है, जिसके चलते यहाँ गाड़ी का बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल काम है। दोस्तों, अगर आप यहाँ बाइक लेकर जाते हैं और अगर आप प्रोफेशनल लेवल के ड्राइवर नहीं है तो यह रोड आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर एक छोटी सी चूक से आप मौत के मुंह में समा सकते हैं। यह रोड अब तक बहुत से लोगों की जान ले चुका है और यही कारण है कि लोग इस पर चलने से भी घबराते हैं। नंबर 6 पे है रोड ऑफ दी बॉन्स, रूस। रूस का ये हाईवे दुनिया की सबसे खतरनाक रोड्स में से एक है। इसे R504 कोलिमा हाईवे भी कहा जाता है। 2030 किलोमीटर लंबी यह रोड खराब मौसम, बर्फबारी और बेहद लो विजिबिलिटी की वजह से काफी खतरनाक माना जाता है। इस रोड को रोड ऑफ दी बॉन्स ऐसे ही नहीं कहा जाता, बल्कि यह वाकई में रोड ऑफ दी बॉन्स ही है। इस हाईवे पर हड्डियों और कंकालों का मिलना एक आम बात है। यहाँ पर चलते वक्त आपको कदम कदम पर मरे हुए लोगों की हड्डियाँ मिल जाएंगी। दोस्तों, इस रोड के कंस्ट्रक्शन की कहानी काफी दर्दनाक है। कहा जाता है कि बर्फबारी के कारण रोड पर आने जाने वाली गाड़ियां ना फिसले, इसीलिए इस रोड को बनाते वक्त बालू के साथ साथ इंसानों की हड्डियां भी मिलाई गई थी, और इसीलिए कोलिमा हाईवे को बनाने में करीब 2.5 लाख लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। 1930 के दशक में जब इस हाईवे का निर्माण शुरू हुआ तो इस काम में मजदूरों को जबरदस्ती कोलिमा कैंप में कैदी बनाकर रखा गया था। कहते हैं कि एक बार अगर कोई कैदी इस कैंप में फंस जाता था तो जिंदगी भर उसे कैद करके रखा जाता था और उसके मरने के बाद उसे इसी सड़क पर दफना दिया जाता था। नंबर 5 पे है G915 हाईवे, तुर्की। दोस्तों, दुनिया भर में कई सारे खतरनाक रोड्स बने हुए हैं, लेकिन यह रोड इतना ज्यादा खतरनाक है कि इसे डेथ रोड का नाम दिया गया है। डेथ रोड के नाम से मशहूर यह हाईवे तुर्की की पहाड़ियों में मौजूद है, जो ब्लैक सी के तट से शुरू होता है। इसके एक तरफ ऊंची ऊंची चट्टाने हैं तो दूसरी तरफ मौत की खाई लोगों का इंतजार करती रहती है। इस रोड पर कुल 29 मोड़ हैं, जहां पर गाड़ी घुमाना बेहद ही मुश्किल काम है। इतना ही नहीं, यहां सड़क के किनारे कोई रेलिंग भी नहीं है। यहां पर गाड़ी चलाना हर किसी के बस की बात नहीं है। इस रोड पर सिर्फ एक्सपीरियंस लोग ही ड्राइव कर सकते हैं। यहाँ अगर आपका जरा सा भी ध्यान भटक गया तो आपकी मौत निश्चित है। नंबर 4 पे है शिजिगुआन फ्लोटिंग रोड, चाइना। ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए इंजीनियर साइंस और मॉडर्न आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करके एक से बढ़कर एक अनोखे नमूने पेश कर रहे हैं। मॉडर्न आर्किटेक्चर का एक ऐसा ही नमूना है चीन का यह फ्लोटिंग रोड। अभी स्क्रीन पर जो नजारा आप देख रहे हैं वह चीन के शिजिगुआन प्रांत की घाटियों के बीच बहती एक नदी का है। पहली बार अगर आप इस नज़ारे को देखेंगे तो आपको भी यही लगेगा कि यह रोड इस नदी के ऊपर तैर रहा है और गाड़ियां सरपट इस पर दौड़ती दिख रही हैं। इस फ्लोटिंग रोड का कमाल देखने के लिए लोग दुनिया भर से यहाँ आते हैं और देखने वालों को लगता है कि नदी उनके साथ ही चल रही है। मगर यह दिखने में जितना ज्यादा आकर्षक लगता है, असल में उतना ही ज्यादा खतरनाक भी है। इस रोड पर गाड़ी का बैलेंस बनाना बहुत ही मुश्किल काम है।
यहाँ पर सिर्फ एक्सपीरियंस लोग ही ड्राइव कर सकते हैं। नंबर तीन पे है जोजिला पास, भारत। श्रीनगर और लेह लद्दाख को जोड़ने वाला यह जोजिला पास अपनी खतरनाक बनावट के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यह नेशनल हाईवे समुद्र तल से करीब 11,575 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। लद्दाख की पहाड़ियों के बीच मौजूद इस रोड के एक तरफ बेहद गहरी खाई है तो दूसरी तरफ ऊंची ऊंची चट्टानें हैं। इस पूरे हाईवे में केवल 10 किलोमीटर का रास्ता ही सबसे ज्यादा खतरनाक है, लेकिन फिर भी इसको पार करने में पूरे 2 घंटे का समय लग जाता है, क्योंकि यहाँ हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता है। यहाँ के लोकल ड्राइवर इस जोखिम को हैंडल करने में एक्सपीरियंस हो चुके हैं, लेकिन किसी नए ड्राइवर के लिए ये रास्ता मौत से कम नहीं है। इस रोड पर गाड़ियों को खराब मौसम और खतरनाक लैंडस्लाइड का सामना करना पड़ता है। गिरती हुई चट्टानों की वजह से कई घंटों तक रास्ता जाम हो जाता है और कभी कभी तो पूरी रोड ही टूट जाती है। इस सड़क पर बेहद तेज हवाएं चलती हैं, जिसकी वजह से ड्राइव करना और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। कभी कभी तो भारी बर्फबारी की वजह से ये रोड पूरी तरह से ब्लॉक हो जाती है। कई बार तो सामने से आने वाली गाड़ियों को रास्ता देने के लिए आपको गाड़ी कई मीटर तक रिवर्स करनी पड़ती है। नंबर दो पे है पैसेज डू गोइस, फ्रांस। फ्रांस की यह सड़क 2 आयरलैंड को आपस में जोड़ती है। ये फ्रांस की वो अनोखी सड़क है जो दिन में 2 बार सिर्फ 2 घंटे के लिए ही नजर आती है। दरअसल फ्रांस की यह सड़क समंदर के बीच बनी हुई है और 4.5 किलोमीटर लंबी है, और यह दिन में 2 बार सिर्फ 2 घंटे के लिए ही नजर आती है, बाकी समय यह सड़क पानी में डूबी रहती है। यह सड़क मेनलैंड को नोयमॉर्टियर आयरलैंड से जोड़ती है। इस सड़क का नजारा वास्तव में बेहद भयानक होता है। इस सड़क को पार करना बेहद खतरनाक होता है। कभी कभी सड़क ना नजर आने की वजह से इस रोड से गुजरने वाली गाड़ियां रोड से हटकर समंदर में उतर जाती हैं, और कभी कभी तो पानी की तेज लहरें रोड पर चलने वाली गाड़ियों को समंदर में धकेल देती हैं, जिसकी वजह से इस सड़क पर हर साल कई लोग हादसे का शिकार होते हैं। नंबर एक पे है किल्लर टूपांगी रोड, भारत। यह दुनिया की सबसे खतरनाक रोड्स में से एक है, जिसे किश्तवाड़ रोड के नाम से भी जाना जाता है। इस सड़क के खतरनाक होने का मेन कारण है यहाँ मौजूद 1000 फीट की गहरी घाटी। यहाँ चलते हुए आपको बहुत खूबसूरत नजारे देखने को मिलेंगे, लेकिन इस जगह की खूबसूरती पर ध्यान देने की बजाय रास्ते पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ आपका एक गलत कदम आपको मौत के मुंह में पहुँचा सकता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहले भी बहुत से लोग यहाँ देखने की गलती करके मौत का शिकार बन चुके हैं। जानकारी के लिए बता दें कि यह सड़क जम्मू के किल्लर और हिमाचल के पांगी को आपस में जोड़ती है। यहाँ पर पर्यटकों को एडवेंचर्स एक्टिविटीज करने का मौका भी मिलता है, लेकिन यह सिर्फ हिम्मत वाले लोग ही कर सकते हैं, क्योंकि आम लोग स्टंट करना तो दूर, यहाँ से गुजरने से भी घबराते हैं। दोस्तों, वैसे तो इन सड़कों पर सफर करना बेहद ही चैलेंजिंग वाला काम है, लेकिन फिर भी अगर आपसे पूछा जाए कि आप इनमें से कौन सी सड़क पर सफर करना चाहेंगे तो आपका जवाब क्या होगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। फिर मिलते हैं इसे ही एक और रोमांचक वीडियो के साथ।